आज हम बनाएंगे ये पालक चिकन। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हैं वो हैं 1.5 किलो पालक। इसको मैंने धो के काट के बॉईल कर लिया। इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट बॉईल करना है, ज़्यादा मिनट इसको बॉईल नहीं करना है, वरना इसका कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। सिर्फ 3 से 4 मिनट इसको बॉईल करके आप इस तरह से इसको रख लें। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 केजी चिकन, 1 कप योगर्ट, दही, 2 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा अदरक अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर, 3 प्याज, 2 लीमू, 3 सब्ज़ मिर्चें। प्याज मैंने काट के चॉप कर लिया हुआ है, 2 लीमू, 3 सब्ज़ मिर्चें। इसके अलावा हमें चाहिए होंगी 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और नमक हसबे जायका। चले आए, अब हम बनाते हैं। हम इसको मैरिनेट करेंगे चिकन को। अब मैं सबसे पहले दही लूंगी, चिकन में सबसे पहले दही डालेंगे, उसके साथ ही सारे मसाले डाल देंगे, सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और नमक हसबे जायका। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून, टमाटर 2 बड़े साइज के कटे हुए, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डाल लें, नहीं डालना चाहते एज यू विश ना डालें बेशक। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद 1/2 आवर के लिए हमने इसको रख देना है। 1/2 आवर हो गया, अब हम इसे पकाना शुरू करेंगे। 2 कप हम लेंगे ऑयल, उसमें हम प्याज फ्राई करेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें मैरिनेटेड चिकन शामिल करूंगी। आप थोड़ी सी हम हल्की कर लेंगे बिरयानी आंच पे। इसको 5 मिनट्स के लिए दरमियानी आंच पे भूनेंगे, उसके बाद मैं इसको 10 से 15 मिनट्स के लिए ढक के रखूंगी ताकि चिकन गल जाए। 10 to 15 मिनट्स के बाद भूनने के बाद अब हम इससे 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे ढांप के रख देंगे ताकि चिकन गल जाए। व्यूवर्स, जब ये 1/2 कुक हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे पालक। पालक ऐड करते ही हम इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालेंगे और कटा हुआ लीमू डालेंगे। लीमू इस तरह से काट लें। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स तक रखेंगे। ढक्कन डाल के देखें, अगर इसमें थोड़ा सा पानी है तो वो खुश्क कर लें। जब ये ऑयल छोड़ दे तो ये मुकम्मल तौर पे तैयार है। आप इसे ब्राउन राइस के साथ खा सकते हैं और इसे रोटियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मुनफरिद बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। घर वाले एक दफ़ा खाएंगे तो बार बार बनाने के लिए कहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, इंशाल्लाह अगली दफ़ा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे।